बेस्ट न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आइए देखते हैं आज की तीसरी खास खबर। महाराष्ट्र के नागपुर में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर वाड़ी पुलिस स्टेशन में एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने नाबालिग भाई की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सोमवार को जब माता पिता घर पर नहीं थे, तब 12 साल के सूरज ने अपनी नाबालिग बहन को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। वो ये बात घर वालों को बताने की जिद पर अड़ा था, इसलिए दोनों ने उसे मार डाला। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे जब लड़की की मां बाथरूम में और भाई दूसरे कमरे में था, तब उसने कथित तौर पर फांसी लगा दी। अजनी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, लड़की अकेले कमरे में पढ़ रही थी, लेकिन जब उसकी मां कमरे में गई तो उसने बेटी का शव लड़की के एक पटरे से रस्सी से लटकता हुआ देखा। 2 महीने से मराठी और अंग्रेजी में मौत पर कविताएं लिख रही थी। पुलिस को लड़की के कमरे से एक नोटबुक मिली है, जिस पर वह पिछले 2 महीने से मराठी और अंग्रेजी में मौत पर कविताएं तथा उक्तियां लिख रही थी। उसने यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस फैलना चाहिए ताकि मैं मर जाऊं। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि वह पढ़ाई में अच्छी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपनी माँ के साथ अंतिम बातचीत में लड़की का व्यवहार एकदम सामान्य था। पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। नमस्कार,